एक महान सभ्यता जो अपने समय में आधुनिकता के चरम पर थी। वैज्ञानिक तमाम तरह के दावे पेश करते आते रहे हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वे लोग कौन थे, क्यों आए थे, क्यों यहाँ रुके और फिर कहाँ चले गए। पता है तो सिर्फ कुछ अवशेष जो सिंधु नदी के तट पर मिले हैं। यहीं कोई करीब 5000 साल पहले अस्तित्व में आई थी सिंधु घाटी सभ्यता। उनके आधुनिक होने का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब सारी दुनिया के लोग अपने नंगे बदन को ढकने के लिए जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल का उपयोग करते थे, तब वे कपड़े बुनने, बनाने और रंगने का काम जानते थे। जब आदि मानव पेड़ों से उतरकर धरती पर घरौंदे बना रहा था, तब ये पक्के घर और 2 मंजिला इमारतें बना रहे थे। वे सौंदर्य प्रसादनों में भी समझने लगे थे। उन्होंने लिपस्टिक का आविष्कार भी कर लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता में मिली ईंटें और मिस्र के पिरामिड्स में मिली ईंटों में समानता है। वे वहाँ कैसे पहुँची कोई नहीं जानता। पक्के घर, नालियाँ और बेहतर जल प्रबंधन तो मात्र एक झलक है। उन्होंने पानी पर चलना यानी कि नाव बनाना सीख लिया था। उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, अब तक की 11 सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। 1921 में पहली बार इसके अवशेष दुनिया के सामने आए। कार्बन डेटिंग टेक्निक से पता चला कि इस सभ्यता का जन्म 2500 ईसा पूर्व से पहले हुआ होगा। 1500 ईसा पूर्व तक यह फलती फूलती रही, जिसके बाद इसका पतन हो गया। हड़प्पा सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त अवशेषों के कारण ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसके प्रमुख नगर मोहनजोदाड़ो की खुदाई के कारण मिला। क्योंकि मोहनजोदाड़ो की खुदाई सिंधु नदी के किनारे हुई थी, इसी वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के किनारे और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैला हुआ था। इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जिसका आकार त्रिभुजाकार था। यह मिस्र की सभ्यता से भी बड़ी सभ्यता थी। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर विन्यास पद्धति ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, जिसमें नगरों की गलियां चौड़ी व सीधी हुआ करती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अधिकतर हड़प्पावासी अपने घरों को 2 मंजिला बनाते थे। इन घरों के मेन गेट बाहर सड़क की तरफ खुलते थे। भारत में वास्तुकला का आरंभ भी सिंधु वासियों के द्वारा ही माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम अन्नागार है, जो मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में ही एक विशालकाय बाथरूम मिला। सिंधु सभ्यता वासियों के घरों के फर्श आमतौर पर कच्चे ही होते थे। सिर्फ कालीबंगा से कुछ पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं। जिस समय आदिम जनजातियां कच्चा गोश्त खा रही थी, उसी समय कालीबंगा की खुदाई में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले और बनावली से मिले हल के प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग हल चलाना भी जानते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती करने के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। सिंधुवासी हाथी और घोड़े से परिचित थे, लेकिन इन्हें पालतू नहीं बना सके। सुरकोटदा की खुदाई से घोड़े होने के प्रमाण मिलते हैं। चन्हूदड़ा की इस खुदाई में एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान भी मिलते हैं। लोथल एक ऐसा स्थान था जो सिंधु सभ्यता वासियों का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधुवासी चावल और बाजरा की खेती करना भी जानते थे। चावल और बाजरा के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। उस समय लोग वस्तु विनिमय से क्रय विक्रय करते थे, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का क्रय विक्रय। यहाँ के लोग अन्य सभ्यताओं के साथ भी व्यापार करते थे। ये लोग अफगानिस्तान, ईरान, दक्षिण भारत तक व्यापार किया करते थे। ये लोग मुख्यतः तांबा, चांदी, सोना, सीसा आदि का व्यापार किया करते थे। हड़प्पा की खुदाई से मिले साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ये सभ्यता व्यापारियों और शिल्पकारों के हाथों में रही होगी।
यहाँ के रहवासी अपने आभूषणों में सोना, चांदी और तांबा धातु का मुख्यतः प्रयोग करते थे। साथ ही ये लोग कीमती पत्थर से बने आभूषण भी बड़े चाव से पहना करते थे। हड़प्पा वासी कुबड़ सांड की पूजा करते थे, साथ में ये वृक्षों की भी पूजा करते थे जो कि खुदाई में मिले पीपल और बबूल के पेड़ों के साक्ष्यों के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन ये लोग मंदिर नहीं बनाते थे, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब तक की खुदाई में से एक भी मंदिर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन सिंधुवासी स्वास्तिक चिन्ह बनाना जानते थे। मोहनजोदड़ो की खुदाई से एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह के निशान मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास एल ए वेदेल ने किया था, लेकिन सिंधु सभ्यता की लिपि को अब तक समझा नहीं जा सका है। सिंधुवासी लिखते समय चिड़ियां, मछली, मानव आकृति आदि का प्रयोग किया करते थे। सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता वासियों ने मन के बनाने के लिए कारखाने लगा रखे थे। इन्हीं कारखानों के साक्ष से लोथर और चन्हुआदड़ों से प्राप्त हुए थे। इन मनकों का व्यापार होता था इजिप्ट तक। इजिप्ट में मिले पिरामिड्स के अंदर ये मनके मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इसके पतन के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। हम सिंधु घाटी सभ्यता की इस रोचक यात्रा को जारी रखेंगे अपने अगले एपिसोड में। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।